जय पर आने वाले दिन में कई सारे अपकमिंग फिल्मों का बिगेस्ट क्लश बॉक्स ऑफिस पर नजर आने वाले हैं। और जय पर बॉलीवुड और साउथ का परवे सुपरस्टार का बिग बजट वाला पैन इंडियन प्रोजेक्ट भी शामिल है। तो उसे देख लेते हैं कौन कौन से अपकमिंग फिल्मों के बीच में होने वाले है बिगेस्ट क्लश। तो वीडियो शुरू से तक जरूर देखिएगा और एक लाइक भी करिएगा। तो चलिए इंट्रो के बाद मिलते हैं। नंबर वन, महासमुद्रम वर्सेस बेल बॉटम इन 19 अगस्त 2021। एक तरफ है साउथ का फिल्म, दूसरी तरफ है बॉलीवुड का फिल्म। पहले बात करो महासमुद्रम को लेकर, यह अपकमिंग तेलुगु एक्शन ड्रामा फिल्म है और इसमें शर्वानंद और साथ में सिद्धार्थ को लीड रोल में नजर आएंगे। और जब पर ऑलरेडी इस फिल्म का शूटिंग हो चुके हैं कॉम्प्लीट और अभी मेकर्स ने प्रमोशनल एक्टिविटीज चला रही है। और दूसरी तरफ फिल्म है बेल बॉटम जो अपकमिंग स्पाई थ्रिलर फिल्म है और इसमें खिलाड़ी अक्षय कुमार वनी कपूर लीड रोल में नजर आएंगे। और आखिर का फिल्म देखकर ही बॉलीवुड ने थिएटर पर रखने वाले हैं कदम और ऑडियंस के बीच इस फिल्म को लेकर कई सारे एक्सपेक्टेशन भी है। नंबर टू, RRR वर्सेस मैदान वर्सेस RR2 इन 13 अक्टूबर 2021 यानी कि दशहरा। और जहाँ पर पहले बात करूँ RRR को लेकर, यह है अपकमिंग पैन इंडियन एक्शन ड्रामा फिल्म और जिसको डेट करी है टॉलीवुड का नंबर वन डायरेक्टर एस एस राजामौली ने। और इसमें एक तरफ मेगा पावर स्टार रामचरण को अल्लूरी सीताराम राजू और जिन्होंने फाइटिंग करने वाले हैं ब्रिटिश राज के अगेंस्ट में, और दूसरी तरफ यंग टाइगर जूनियर इंटर उनको नजर आएंगे कुमारम भीम के रोल में और जिन्होंने फाइटिंग करने वाले हैं निजाम ऑफ हैदराबाद के अगेंस्ट में। और ये फिल्म रिलीज होगा 13 अक्टूबर 2021 में। और इसके बाद बात करूँ मैदान को लेकर, ये अपकमिंग हिंदी स्पोर्ट्स बायोपिक फिल्म है जहाँ पर सुपरस्टार अजय देवगन को फुटबॉल कोच सैयद अब्दुल रहीम के रोल में नजर आएंगे और जहाँ पर इंडिया का उस एरा को गोल्डन ऑफ फुटबॉल माना जाता था। और अभी बात करो आराध्य को लेकर, ये मलयालम का अपकमिंग कॉमेडी एक्शन फिल्म है और इसमें कॉमेडी एक्टर मोहनलाल साथ में श्रद्धा श्रीनाथ लीड रोल में नजर आएंगे। और जहाँ पर डायरेक्टर ने यह कन्फर्म किया है कि मलयालम का ये फिल्म थिएटर पर 14 अक्टूबर 2021 में रिलीज होगा। और अनडाउटली इस क्लश में कौन से फिल्म करने वाले बाजीमात उसके बारे में सभी लोग जानते हैं और वो नाम है RRR। नंबर थ्री, सर्कस वर्सेस लाल सिंह चड्ढा इन क्रिसमस 2021। पहले बात करूँ लाल सिंह चड्ढा को लेकर, ये अपकमिंग हिंदी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है और इसमें मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान करीना कपूर नागा चैतन्य लीड रोल में नजर आएंगे। और जो फिल्म होगा 1994 का अमेरिकन फिल्म फॉरेस्ट गंप का बॉलीवुड रीमेक और जो रिलीज होगा क्रिसमस 2021 में। दूसरी तरफ बात करूँ दूसरा बॉलीवुड अपकमिंग फिल्म को लेकर, वो है सर्कस और जो है कॉमेडी फिल्म और इसमें रणवीर सिंह को डबल रोल में नजर आएंगे। और दूसरी तरफ होगा जैकलिन फर्नांडिस और पूजा हेगड़े। और बता दोस्तों, ये फिल्म भी 1982 का फिल्म का रीमेक है। तो आपको क्या लगता है इसी क्लश में कौन सी फिल्म करने वाले है बाजीमात, सर्कस या फिर लाल सिंह चड्ढा, कॉमेंट करके बताइएगा। नंबर फोर, वालीमाई वर्सेस अन्नाथे वर्सेस जर्सी का हिंदी रीमेक इन दिवाली 2021। पहले बात करूँ वलीमाई को लेकर, ये अपकमिंग एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इसमें थला अजीत कुमार को वन मैन आर्मी के रोल में नजर आएंगे। और ऑलरेडी जिसका बाइक स्टैंड और स्पोर्ट्स के दौरान एक इंटेंस लुक नजर आई है। और बता दोस्तों, इस फिल्म का कैप्शन है पावर स्टेट ऑफ माइंड और जिसका नॉन थिएटरिकल राइट ऑलरेडी रिकॉर्ड प्राइस में सोल्ड हो चुका है। दूसरी तरफ बात करूँ जर्सी का हिंदी रीमेक को लेकर, तो अपकमिंग हिंदी स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है और 2019 का तेलुगु सुपरहिट फिल्म जर्सी का हिंदी रीमेक होगा जहाँ पर शाहिद कपूर को एक क्रिकेटर, दूसरी तरफ मृणाल ठाकुर को लीड रोल में नजर आएंगे। और इस क्लश पर थर्ड फिल्म है अन्नाथ है जो अपकमिंग एक्शन ड्रामा फिल्म है और इसमें थलाइवर रजनीकांत, साउथ का लेडी सुपरस्टार नयनतारा, महानते एक्ट्रेस कृति सुरेश, खुशबू मीना लीड रोल में नजर आएंगे। और जो फिल्म अभी डबिंग स्टेज पर है, तो सबको क्या लगता है इसी क्लश पर कौन सी फिल्म करने वाले है बाजीमात, कॉमेंट करके बताइएगा। नंबर फाइव, शेरशाह वर्सेस भुज इन 12 अगस्त 2021 OTT प्लेटफॉर्म। पहले बात करूँ शेरशाह को लेकर, ये अपकमिंग हिंदी बायोपिक वॉर फिल्म है जहाँ पर सिद्धार्थ को कारगिल वॉर हीरो कैप्टन विक्रम बत्रा के रोल में नजर आएंगे। और जो फिल्म रिलीज होगा अमेजन प्राइम वीडियो पर। दूसरी तरफ है भुज जो एक अपकमिंग पीरियड वॉर ड्रामा फिल्म है और जिसका स्टोरी 1971 का इंडियन पाकिस्तान वॉर पर बेस्ड है और इसमें सुपरस्टार अजय देवगन लीड रोल में नजर आएंगे। और जो फिल्म रिलीज होगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। नंबर सिक्स, पठान वर्सेस मेडे वर्सेस NTR 30 इन ईद 2022। पहले बात करूँ पठान फिल्म को लेकर,
ये फिल्म है बादशाह शाहरुख खान का मोस्ट अरब कॉमिक प्रोजेक्ट, जहाँ पर इसमें एसआरके के साथ दीपिका जॉन को लीड रोल में नजर आएंगे और इसमें सलमान का होगा एक पावरफुल एक्सटेंडेड कैमियो अपीयरेंस। और जिसका 55% शूटिंग ऑलरेडी कम्प्लीट हो चुका है और इस फिल्म का एक्सपेक्टेशन का लेवल है काफी हाई लेवल तक। दूसरी तरफ एनटीआर 30 जो एक अपकमिंग पैन इंडियन एक्शन फिल्म होने वाला है और जिसको डायरेक्ट करने वाले हैं कोराटाला सिवा ने, और इसमें यंग टाइगर जूनियर एनटीआर को लीड रोल में जाएंगे। और जो फिल्म होगा जूनियर एनटीआर का कैरियर में सेकेंड बिग बजट वाला फिल्म और जिसका बजट रखा गया है 200 करोड़ और ये फिल्म अभी प्री प्रोडक्शन स्टेज पर है। दूसरी तरफ मेडे ये अपकमिंग हिंदी फिल्म है और जहाँ पर अजय देवगन, अमिताभ जी, राकुलप्रीत सिंह लीड रोल में जाएंगे और अभी इस फिल्म का शूटिंग चल रही है। तो सबको क्या लगता है इस क्लैश पर कौन सी फिल्म करने वाले हैं बाजीमात, कमेंट करके बताइएगा। नंबर 7 राम सेतु वर्सेस भाईजान वर्सेस एटली एसआरके प्रोजेक्ट इन दिवाली 2022। पहले बात करूं भाईजान को लेकर तो फिल्म सलमान का नेक्स्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट है और जिसका पहले टाइटल था कभी ईद कभी दिवाली और एक अपकमिंग एक्शन कॉमेडी फिल्म होगा और जो फिल्म होने वाले है तमिल का ब्लॉकबस्टर फिल्म वीरम का हिंदी रिमेक। और इसके बाद फिल्म है राम सेतु और एक खिलाड़ी अक्षय कुमार का नेक्स्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट है और इसमें उनको एक आर्कियोलॉजिस्ट के रूप में नजर आएंगे और आखिर का कैरियर में ये फिल्म होने वाले है सबसे डिफरेंट टच का फिल्म है। और इसके बाद फिल्म है एसआरके के साथ एटली का नेक्स्ट प्रोजेक्ट और ये अपकमिंग एक्शन थ्रिलर फिल्म होगा। और बता दोस्तों इसमें शाहरुख खान के साथ नयनतारा को लीड रोल में नजर आएंगे और इसे पैन इंडियन फिल्म पर काफी कमर्शियल मसाला एक्शन नजर आएंगे। तो सबको क्या लगता है इसी क्लैश पर कौन सी फिल्म विनर होगा। नंबर 8 सालार वर्सेस भेदिया इन 14 अप्रैल 2022। पहले बात करूं सालार को लेकर ये रेवलिस्ट प्रभास का नेक्स्ट अपकमिंग बिगेस्ट पैन इंडियन फिल्म है और जिसको डेट करी है केजीएफ के डायरेक्टर प्रशांत नील ने और इसमें प्रभास को काफी ड्रास्टिक वायलेंट कैरेक्टर में नजर आएंगे। और दूसरी तरफ है वेदिया जो बॉलीवुड का अपकमिंग हॉरर कॉमेडी फिल्म है और इसमें वरुण धवन, कृति सनोन लीड रोल में नजर आएंगे और जिसका शूटिंग ऑलरेडी कम्प्लीट हो चुके हैं। और इसे क्लश पर कौन सी फिल्म करने वाले है बाजीमात उसके बारे में सभी लोग जानते हैं और वो नाम है प्रभास का सालार। नंबर 9 सरकारू वरीपता वर्सेस पीएसपी कराना वर्सेस राधेश्याम वर्सेस हरिहरा वीरमल्लू वर्सेस बीस्ट और वर्सेस F3 इन संक्रांति 2022। यानी कि ये क्लश होने वाला है इंडियन के हिस्ट्री में वन ऑफ द बिगेस्ट क्लश। तो पहले बात करूं सरकारू वरीपता को लेकर तो फिल्म टॉल्ट के प्रिंस सुपरस्टार महेश बाबू का नेक्स्ट मोस्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट है और इसमें महेश ने प्ले करने वाले है एक मानी लेंडर का रोल और जहाँ पर उनका काफी डिफरेंट स्टाइलिश एक्टर नजर आएंगे। दूसरा फिल्म है आयपनम कोशम का रीमेक जहाँ पर पावर स्टार पवन कल्याण यानी कि भीमला नायक को एक अपराइट पुलिस ऑफिसर, दूसरी तरफ राणा रघुपति को एक ड्रंक एरोगेंट आदमी के रोल में नजर आएंगे। और इसके बाद फिल्म है बीस्ट जो थलापति विजय का नेक्स्ट मोस्ट एटेड अपकमिंग प्रोजेक्ट है और इसमें विजय के साथ पूजा को लीड रोल में जाएंगे और इसमें थलापति को एक एजेंट के रोल में नजर आएंगे और जिसका फर्स्ट पोस्टर फैंस को किया है काफी इम्प्रेस्ड। और इसके बाद फिल्म है F3 और जो एक अपकमिंग कॉमेडी ड्रामा फिल्म है और इसमें पिंकी मामा, वरुण तेज, तमन्ना, मेहरीन पीरजादा लीड रोल में जाएंगे और ऑलरेडी जिसका डबिंग राइट सोल्ड हो चुका है। और इसके बाद शामिल है हरिहरा वीरमल्लू जो एक अपकमिंग प्योर ड्रामा फिल्म है और इसमें पावर स्टार पवन कल्याण को रेबेलियस एक्टर में नजर आएंगे और जिसमें होगा काफी विजुअल इफेक्ट के साथ पावर पैक्ड एक्शन सीक्वेंस। और ये फिल्म है एक पैन इंडियन बिग बजट वाला फिल्म। और इसके बाद शामिल है राधेश्याम जो एक अपकमिंग पीरियड रोमांटिक फिल्म है और इसमें रेबेलिस्ट प्रभास पूजा लीड रोल में नजर आएंगे और ये फिल्म होने वाली है इंडिया का मोस्ट हाई बजट वाला अपकमिंग रोमांटिक फिल्म। दोस्तों संक्रांति का इसी क्लश पर कौन सी फिल्म करने वाले है बाजीमात, कॉमेंट करके बताइएगा। दोस्तों ये रहा अपकमिंग फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर टक्कर के बारे में और सभी क्लश के बीच में कौन सी क्लश है सबसे पावरफुल, कॉमेंट करके बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी करिएगा और सभी बॉलीवुड और साउथ इंडिया अपडेट पाने के लिए मेंशन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।